बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए बहुत ही चटपटी और मज़ेदार चिकन स्टिक्स की रेसिपी, जिनको आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और छन्नी में वॉश करके रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे चिकन की मैरिनेशन। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि जाएगा 2 टीस्पून। साथ ही डाल देंगे तकरीबन आधा कप के करीब दही, 2 टेबल स्पून से डाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आधा कप मैंने तकरीबन दही शामिल कर दिया है। अब साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंडियों समेत। इसी के साथ हम शामिल करने लगे हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले नमक इसमें शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत। चिकन पाउडर मैंने ले लिया है, जो कि जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये रेसिपी 1 किलो चिकन के लिए है। अब इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून ही। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। साथ ही शामिल कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। काला नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून ही। अब इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ मस्टर्ड ऑयल, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 1/8 कप, मतलब 2 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिएगा। अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल जो तेल हो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी ये मैरिनेशन बनके तैयार हुई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन मैंने डाला है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लिया था मैंने और इसके साथ मैंने इसको मिक्स करके डाला है। अब ये जो चिकन है इसका सारा पानी देखें निकल चुका है। पैड ड्राई हुई चिकन हमारी है, इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो मसाले में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करने का ये तरीका है। इसको पूरी रात के लिए आप मैरिनेट करके रख सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट कीजिएगा। तो कर देते हैं इसको कवर, चेक करेंगे जब इसकी मैरिनेशन कम्प्लीट हो जाती है। तो 2 से 3 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। थोड़ी सी देर पहले मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और चिकन अच्छे से हमारी देखें टेंडर हो चुकी है बिल्कुल, और मसाले में ये रज बस गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम पिरो देंगे स्क्वेबर में। तो मेरे पास ये वुडन स्क्वेबर्स हैं, इसके अंदर एक एक करके हम चिकन की बोटियों को इस तरह लगाएंगे। एक स्टिक में मैंने 4 बोटियों को लगा लिया है और ये सारी बना के मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम इनको कोट करेंगे सिंपल मैदे के साथ। तो मैंने यहाँ पर प्लेन मैदा ले लिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है मैंने, बस इसको हम पहले इसके साथ कोट करेंगे। और ये हम इसलिए कोट कर रहे हैं ताकि इसमें ये जो मसाला है ना फ्राई करते वक्त ये इसके अंदर से निकले नहीं। इसको डाल के अच्छी तरीके से देखें कोट कर लिया है मैंने, सभी को कोट कर लिया है। और अब हम करेंगे इसको अंडे के साथ कोट। तो 2 अंडे ले लिए हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दिया था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब मैदे से कोट हुई हुई चिकन स्टिक्स को हम कोट करेंगे अंडे के साथ अच्छी तरीके से, और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। तो मैंने अपने चैनल पे 3 तरह की ब्रेड क्रम्स की रेसिपीज को शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखें तमाम स्टिक्स को इस तरह से रेडी कर लिया है, तीनों चीज़ों के साथ अच्छे से कोट हो चुकी हैं ये। तो आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इस तरह से इसको फ्रीज़र में या जेबर लॉक में डाल के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो इनको आप फ्रीज़र में से निकालने के बाद भी राइट अवे फ्राई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पर मीडियम गर्म तेल रखा हुआ है, जिसमें हम एक एक करके फ्राई कर दे जाएंगे। जब थोड़ा सा आपको लगे कि तेल थोड़ा सा गर्म हो गया तो चूल्हे की आंच को बंद कर सकते हैं आप। तो हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगेगा इसमें हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है तो आपने इसको अलट पलट करते हुए बस फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स लगाया है तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से इसमें कलर आ जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि आपकी चिकन अंदर से बिल्कुल अच्छे से गल भी जाए और बाहर भी कलर खूबसूरत आए। देखिए क्रिस्पी सी खूबसूरत सी कलर में ये हमारी चिकन स्टिक्स हो चुकी हैं फ्राई, जिनको मैंने निकाल लिया है फ्राई कर देने के बाद। तो ये लीजिए मज़ेदार सी हमारी स्टिक्स बनके तैयार हैं। इसके साथ आप बनाइए गार्लिक मायो डिप या मस्टर्ड हनी सॉस और इसको आप सर्व कीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारी स्टिक्स बनके तैयार हुई हैं। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। और मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।